कश्मीरी पंडित की हत्या के कुछ दिनों बाद एक बार फिर घाटी से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर हत्या कर दी है। शोपियां के हरमेन में मारे गए इन दोनों लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले मनीष कुमार और राम सागर के तौर पर हुई है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आतंकियों ने शोपियां के हरमन इलाके में दोनों मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने की दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या। तो देखिए कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग हुई है उसकी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो रही शबानी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। देखिए एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की टारगेट किलिंग देखी जा रही है, वहां कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं। इस बारे में जानकारी दीजिए कि ये कौन दो मजदूर और अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जी सपना, मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिण कश्मीर के शुपियां के हरमन इलाका एक गांव पड़ता है, वहां पे जो है नॉन लोकल लेबर जो है वो काम करने के लिए आते थे और रात भर, रात के देर रात 1 बजे अगर हम बात करेंगे, मिलिटेंट उस रेंटेड अकोमोडेशन एक टिनशेड बनाया जाता है, वहां पे जो है मिलिटेंट घुस जाते हैं और उनको उनपे फायरिंग करते हैं, जिसके चलते वो जख्मी हो जाते हैं और जख्मियों के बाद उनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां उन दोनों की जो है मौत होती है। और आपको मैं बता दूं, उसी वक्त जो ही उनपे फायरिंग हुई, जो फौज और पुलिस है वो मौके पे पहुंची, उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया गया और सुबह सवेरे ही एक मिलिटेंट जो हाइब्रिड मिलिटेंट है लश्कर तोयबा का, इमरान बशीर गनई, जो कि हरमिन का ही रहने वाला है, जिस जगह इनपे अटैक किया गया जिस गाँव में, उसी गाँव में एक लश्कर तोयबा का जो हाइब्रिड मिलिटेंट है उसको पकड़ने में कामयाबी पाई है फौज ने और उसको इंटरोगेशन अभी भी जारी है। और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने कबूल कर लिया कि जो अटैक इन पे किया हमने ही किया, और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि और भी दो बंदे थे। और अभी पूरा एरिया को सील कर दिया गया और अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये जो दो नॉन लोकल लेबर है, ये यूपी के कनौज गांव के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और मुनीष कुमार और राम सागर के नाम से इनका जो है नाम सामने आ चुका है। और रेड जो है अभी वहां पे रेड भी जारी है, वहां पे जो है लगातार जो एडीजीपी विजय कुमार का ट्वीट जो सामने आ चुका है कि अभी भी वहां पे रेड जो है वो जारी है पुलिस की तरफ से, और अभी वहां पे यही ढूंढने की कोशिशें जारी है और इंटरोगेशन भी जिसको पकड़ा है जिंदा पकड़ने में कामयाबी पाई उसको भी इंटरोगेशन जारी है। जी सपना, रईस जी क्या किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या इस पूरे मामले में जानकारी, पुलिस का क्या कुछ कहना? अभी जो है किसी संगठन ने जिम्मेदारी, अलबत्ता जिस मिलिटेंट को लश्कर तैयबा के हाइब्रिड मिलिटेंट को पकड़ने में जो उनको जो ही सर्च ऑपरेशन वहां पे हुआ, जिस जगह ये मिलिटेंट ने दो नॉन लोकल लेबरर्स हरमीन गांव में अटैक किया था, तो उसी गांव में जो है इमरान बशीर गनई, जो कि वहां के रहने वाले एक रहने वाला था, उसको जो है जिंदा पकड़ने में कामयाबी पाई और उसने इंटरोगेशन के दौरान ये कबूल कर दिया कि अटैक जो है हमने ही किया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मान सर।